और इस बीच वाराणसी से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद अब आम लोगों को भी दर्शन कराया जा रहा है। बाहर से ही श्रद्धालु झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंबे समय का जो इंतजार है वो खत्म हो गया। आखिरकार जो श्रद्धालु हैं वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंच रहे हैं और वो दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये और बहुत बड़ी जीत है ये हिंदू पक्ष के लिए। व्यास जी के तहखाने की कई ऐसी कहानियां हैं जो ग्रंथों और पुराणों में भी कहा गया है। इस बैरिगेटिंग को रातों रात तोड़ा गया। नंदी जी की के जो ठीक सामने इस बैरिगेटिंग को तोड़ा गया है और यहाँ पर व्यास जी का तहखाना है। इसी तहखाने में दर्शन पूजन के लिए अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा पाठ का अधिकार व्यास परिवार को सबसे पहले मिला और वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और व्यास परिवार को पूजा की इजाज़त दी है। कोर्ट ने एक दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद सुनाया गया फैसला। दक्षिण परिसर की तरफ ये तहखाना है। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तरफ ये तहखाना पड़ता है। तहखाने के अंदर व्यास परिवार पीढ़ियों से पूजा अनुष्ठान और कथा आदि करवाते थे। व्यास परिवार की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि करीब 1559 से उनके पूर्वज तहखाने में कर्म कांड क्या करते थे। व्यास परिवार के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार नवंबर दिसंबर 93 तक पूजा की जाती रही, लेकिन जिसके बाद तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा बदली और ये अधिकार उनसे छिन गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें दोबारा मिल गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।